राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरण साहब, आपने जिस तरह से पार्टी का अभी लोकसभा इलेक्शन की तैयारी और इस तरह से कैंडिडेट्स पूरे ऑल इंडिया लेवल पर उतारने की जो घोषणा की है, क्या आपने मैनिफेस्टो में क्या किस तरह की कंडीशन तय की है कि किस तरह से आप तय करेंगे कि कैंडिडेट क्या होना, क्या किस तरह से गवर्नमेंट को आप लोगों को क्या देने की एक सोच है? राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी की इच्छाएं और नीतियां जो है, गरीब रोजगार जो बेरोजगार होते हैं, किसान लोग जो गरीब होते हैं, उन लोगों को जो आज तक न्याय नहीं मिली, हम उन्हीं उद्देश्यों को लेकर चले कि जिन गरीब आदमी की जो बात को दबाया जा रहा है उसको मैं उजागर करूंगा। अगर जनता ने मेरे साथ दिया तो मैंने ये कह दिया था कि हमसे झूठे वादे नहीं होंगे और ना मैं कर पाऊंगा, ना हम ऐसे जुमला कह पाऊंगा, ना मैं कुछ करूंगा। कहेंगे तो करके दिखाएंगे, ये मेरा वादा है। चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो, हमें उतना ही सम्मान देना है, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे पैसे वाले का बच्चा हो, चाहे किसी का भी बच्चा हो, लेकिन हमें उस बच्चे का, युवक को, सबको सम्मान देना है जो कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के बायलॉज में ये दिया है कि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको आपस में लेके चलेंगे और मतलब जो उनको सम्मान दिलाएंगे और हर चीज में हर मौके में जा करके हम सम्मान के साथ उनको न्याय दिलाएंगे। रोटी रोजगार जो हमारे भाई ने कहा है उनको पूर्ण करेंगे। हमारे उपाध्यक्ष जी ने जो कहा है इनके सपनों को हम साकार पूरा करके दिखाएंगे, ये मेरा वादा है। और उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के सांसद के बिना कोई किसी की प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं पाएगा, ये मेरा वादा है। वो कहते हैं तो करके दिखाएंगे, राष्ट्रीय बहुजन और जिता के लाएंगे। मैं इतने सांसद जिता के लाएंगे कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के बिना कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये मेरा। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का इससे पहले किन इलेक्शनों में पार्टिसिपेट किया है पार्टी ने? मैंने 9 राज्यों में चुनाव लड़वाया है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मणिपुर और तुम्हारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और क्या नाम बिहार। मैंने 9 राज्यों में चुनाव लड़ाया जिसमें हमने जो है अपने सहमत से हमने जो है महाराष्ट्र से जो है सदस्य मंडली को सपोर्ट किया जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा बनकर 2009 में आए और वहां पर तरुण मंडल वेस्ट बंगाल से आए और हमारे सहयोग से हसन खान जो है जम्मू एंड कश्मीर से आए, उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन कुर्सी एक ऐसी चीज है कि कुर्सी के लालच में हमें छोड़ के दूसरे के सिंहासन पर जाके बैठे तो उन्हें ऐसी पटकी खाने पड़ी 2014 में कि ना उन्हें इधर के रहे ना उधर के रहे, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का झंडा बरकरार आज मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपको मालूम है देश भर में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं और इतनी राजनीतिक पार्टियों के हमेशा इलेक्शन के टाइम में जितने वादे रहते हैं कि जनता के लिए ये वो करेंगे और तमाम आसमान से तारे तोड़ के लाने की बात करते हैं, क्या आप जमीनी स्तर पे जो आपने अभी तक महसूस किया है पार्टी लेवल, क्योंकि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी काफ़ी पुरानी पार्टी है, हालांकि उस पर जो आपने वर्क किया है जमीनी स्तर पे, तो उस पर आप क्या महसूस करते हैं पार्टी किस स्तर पे जाके दावा कर सकती है, कहां तक काम कर पाएगी? हमारी सबसे पहली बात यह है कि हमने अभी तक संघर्ष करते चले आए और 9 राज्यों में चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ाने के बाद जमीनी से मैं उठा के लेके चल रहा हूँ। लेकिन आज अगर हमारी अच्छाइयाँ और नीतियाँ अगर सही नहीं होती तो हर भाई जो है हमारे गले लगते चले आ रहे, इसमें कुछ कारण तो है। अगर हम एक दूसरे को सम्मान करें तभी तो लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं हमारे पास। ये हमारे बुजुर्ग भाई बैठे हुए हैं नरसिंह जी, ये कितनी दूर से आए हुए हैं जो कि भाई हमारे बैठे हुए हैं, इनके सर पर तो इनके जो है कहने का मतलब हमारा ये, इतने लोग हमारे सम्मान को देखते को तो आए हुए हैं और इन्होंने जो मेरे से कहा वो करके दिखा रहा हूँ मैं आपके सामने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी उभर के आएगी। लेकिन 2019 के बाद ना बीजेपी कांग्रेस बसपा सपा से देखो देखते रह जाएंगे और राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस मैदान मार ले जाएगा, ये मेरा वादा है। कहते हैं तो करके दिखाएंगे, ये सामने आ रहा है। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल जो कि आज के हकीकत है कि जितनी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं इलेक्शन में, ये सब जानते हैं कि सांसद का अगर इलेक्शन है तो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए का एक कैंडिडेट पे खर्च आता है, तो इस ऐसी व्यवस्था में आप कैसे करके मैनेज करेंगे अपनी जो, क्योंकि पार्टी का जहां तक मैं समझ पाया हूं तो फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें स्ट्रांग नहीं है, ऐसे करके आप जमीनी स्तर पर लोगों को कैसे समझा पाएंगे बिना फाइनेंशियली? हमने तो घर घर जाकर सब भाइयों को बता दिया है कि देखिए आज की महंगाई में
नोटबंदी में और जीएसटी में, पेट्रोल की कीमत में, हर जगह सबके कपड़े फटे पड़े हुए हैं। अगर अपनी इंसानियत को झांकने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर कोई भी कारीगर अपने जो रोटी रोजगार से बच्चे पालते हैं वो सिलाई की मशीन ही है, तो इसलिए हमने सिलाई की मशीन को हर भाइयों को बता दिया है कि इसमें कोई पैसा नहीं है, एक रुपए का धागा डालो, 50 पैसे का सुई लगाओ और कपड़े पहन के मार्केट में घूमोगे, वो राष्ट्रीय बहुजन कार्यपाली की देन है, जिससे आज शरीर के ऊपर पतन पर कपड़े रहेंगे, वो झूठे वादे नहीं है जो कि नंगे लोगों को कर दिया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय बहुजन कार्य पार्टी ऐसे दौड़ के चलेगी, सिलाई की मशीन लेके चलेगी और सिलाई की मशीन आगे जा रही है और हम जो 12 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, जो हमने घोषणा भी करी है वहां पर इलेक्शन कमीशन के सामने मैंने बोल दिया कि राष्ट्रीय बहुजन कार्य पार्टी 12 राज्यों में चुनाव लड़ेगी और लड़वा के लाएगी और सांसद जुटा के भी लाएगी। कैसे लाएगी ये हमारे घर घर जाकर के लोग प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाकर के उनकी सुविधाओं को बता रहे हैं। जो वहां से लोग ऐसे हैं जो झूठे वादे करके चले आए, वहां पर राष्ट्रीय बहुजन कार्य पार्टी ने ऐसा काम करके दिया है, सदियों से जिस गांव में अंधेरा था वहां मैंने उजाला किया है, जिस गांव में शिक्षा नहीं थी वहां मैंने स्कूल खुलवाए और जो गरीबों के बच्चे हैं निःशुल्क हम पढ़वा रहे हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्र हमने जो करके दिखाए वो राष्ट्रीय बहुजन कार्य पार्टी के झंडा के नीचे काम करके दिखाया, जो हमारे शासन प्रशासन ने मेरा साथ दिया, सरकार किसी की भी हो लेकिन उम्र तगादा देखते हुए हमारी बात का अमल होती है और राष्ट्रीय बहुजन कार्य पार्टी उस जगह पर झंडा फहरा। जय केंद्र 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 की राजनीति, जो कि सत्ता जहां पर केंद्र में जो भी सत्ताधारी पार्टी आती है तो उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश या दिल्ली रहती है। दिल्ली के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या सभी प्रत्याशी सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस? राष्ट्रीय बहुजन कार्य पार्टी की उम्मीद हमारी ये है कि जितने अच्छे उम्मीदवार ईमानदार जुझारू जो तन मन धन के साथ जनता की सेवा करेंगे हम उन्हीं को उतार रहे हैं, हम पैसे वाले की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसे अगर हम झोली भरेंगे अपने पैसे के उनसे लेकर के और टिकट देंगे तो जनता का विकास होगा नहीं, हम गरीब आदमी को टिकट दे के हम उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, तन मन धन के साथ उनके साथ लगे हुए और रुझान हुआ मैंने कह दिया कि जाके घर घर जाके अपने अपने गायों को बांधो, जो गायों जो घर खूंटा पे गाय बांधोगे ये मेरा वादा है कि जो गौ हत्या हो रही है उसमें रक्षा भी हो जाएगी, उसी के माध्यम से जो है हमारा स्वच्छ भारत अभियान के जो सपना इनका हो रहा है उसी हिसाब से कूड़ा करकट का मामला है वो भी सही हो जाएगा, जो घर घर जो नुकसान हो रहे किसानों का नुकसान कर रही फसल को कहीं कुछ है तो घर घर जाके एक बार गाय को खूंटा बनाएंगे जिससे गौ रक्षा होगी। पार्टी के अभी 2 या 3 मुद्दे जो मेन मुद्दे क्या है वो आप प्लस बताएं उसको। मेन मुद्दे मेरे ये है कि जो हमारे अध्यक्ष जी ने बोला है उपाध्यक्ष जी ने कि मतलब जो है लड़कियों की शादी के लिए जो करेंगे वो उनका सपना पूरा होगा, तो गरीब बच्चों के जो मजदूरी के लिए मतलब उनकी जो है महिला सम्मान और हमारी सत्ता जी सत्ता आएगी 100% आएगी, सत्ता ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं आएगी, आएगी सत्ता मेरी आएगी और मेरी सरकार बनेगी, सत्ता नहीं है तो कर रहा हूँ जी, सत्ता नहीं तो डॉक्टर साहब महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के बारे में तो हम लोग लगे हुए हैं, महिलाओं को जो है सुरक्षा को कर ही रहे हैं और लोगों को तो जुमला जो चल के अब चले गए, लेकिन हमारे पास कोई महिला आती है न्याय के लेने के लिए तो हमसे हमारी पार्टी के पदाधिकारी और सेवक लोग जो उनकी सुरक्षा करने के लिए उनके शासन प्रशासन उनकी मदद करते हैं और सहयोग करते हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं और करेंगे आगे अगर नहीं हमारी सुनी जाती है। वर्तमान सरकार बेरोजगारों को पकौड़ा तलने की सलाह देती है, आपकी पार्टी की बेरोजगारों के लिए क्या करना चाहिए? हमारी पार्टी सबसे पहली बात बेरोजगार के जो पकौड़ा तलने के लिए उनको जो सलाह देती है हमारी पार्टी, हम तो अपना ये सपना ले लिया है कि जब तक हम देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक हम चाय नहीं पिए, ये मेरा सपना है सबसे पहली बात तो ये। चाय अगर नहीं पिएंगे तो बेरोजगारों के लिए कोई वो नहीं है, बेरोजगारों के लिए क्या कार्य करना चाहिए? हम जगह जगह जाकर उनकी सपना करवा रहे हैं, मतलब जगह जगह जाकर रोटी रोजी के लिए विचार करवा रहे हैं, गाड़ियां लगवा रहे हैं अपने व्यवस्था करके, हम उनको पैसे दे रहे हैं, अपने काम करो सेवा करो अपनी जनता की। ठीक थैंक यू। जय जय भारत। एक चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने और एक चाय छोड़कर प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं, ये कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर एसआर शरण साहब, जो कि एक पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा इलेक्शन में अपने प्रत्याशी उतारने की दावेदारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दिल्ली के अंदर भी पूरे 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे,
तो डॉक्टर एस आर संत साहब, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, ये जो आपने अभी पद दिए हैं, ये किन किन लोगों को पद दिए हैं और कहां कहां से हैं, उसके बारे में बता। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने जो है उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया भुवन सिंह आजाद सिंह को मैंने अध्यक्ष बनाया उत्तर प्रदेश का, और झारखंड से नंदलाल जी को मैंने झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मनोज कुमार पर्वत को मैंने जो है प्रदेश सचिव बनाया, और मतलब जो है हमारे भाई हैं क्या नाम है वीके सिंह, इनको जो साउथ दिल्ली का जिला अध्यक्ष बनाया और जिला सचिव बनाया, राजेंद्र भाई को मैंने बनाया, और हमारे जो है भाई साहब को क्या नाम ये हमारे कुंवर पाल सिंह को मैंने राष्ट्रीय सचिव बनाया, और इसके बाद हमारे वरिष्ठ जो है हमारे सीनियर बड़े भाई हमारे नर सिंह जी हैं, इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, और चंदेला जी हमारे लोकसभा के सांसद हैं फरीदाबाद जिले से जो लड़ रहे हैं उनको मैंने सांसद बनाया, तेजपाल सिंह को जो है मैंने उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया, और दिल्ली के अंदर जो है हमारे विकास गुप्ता जी हैं वो दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष। सभी राजनीतिक पार्टियों ने हिंदुस्तान भर में एक तरह से अपनी अपनी बिसातें बिछाना शुरू कर दी हैं, अपने संगठन को मजबूती के साथ साथ प्रत्याशी को भी मजबूती के साथ चुनने की तैयारी शुरू कर दी है, उसी में राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने भी ताल ठोकी है कि सभी लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, और कहीं ना कहीं वो जीत का बाकी की पार्टियों की तरह वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। कमर अहमद, DT न्यूज़।